हेलो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो कमल हसन ने काफ़ी बड़ी बात बोल दी है कल्कि के बारे में। और यहाँ पर नाग अश्विन और बाबा सना की तारीफ़ करते हुए बोले हैं कि इन दोनों की जो केमिस्ट्री इस मूवी के अंदर उभर के आई है वो यहाँ पर जो कि आपको हैरान कर देगी। और भाई साहब, प्रभा सन्ना बहुत ही बड़े टैलेंटेड एक्टर हैं और इस बार जो है वो प्रभास बहुत बड़ी तबाही के साथ आएंगे, बहुत बड़ी रिकॉर्ड्स की सुनामी लेकर आने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कल्कि मूवी से रिलेटेड एक बढ़िया अपडेट ये है कि कल्कि जो है वो 9 मई को फाइनली रिलीज होती हुई देखने को मिलेगी इंडिया ओवरसीज हर जगह पर। यहाँ पर जो कि ओवरसीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ जो कि यहाँ पर काम और बातचीत जारी है कल्कि मूवी के मेकर्स की, कल्कि मूवी की टीम की। 9 मई को फाइनली जो है वो यहाँ पर भाई साहब रिलीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। ऊपर से यहाँ पर इस मूवी की जो यहाँ पर पार्ट 1 की शूटिंग है वो भी कंप्लीट है। देन यहाँ पर कमल हसन ने ये भी बताया है कि प्रभास अन्ना और कल्कि के साथ जब आएंगे तब यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस के साथ आते हुए देखने को मिलेंगे। तो भाई एक हॉलीवुड लेवल की मूवी जो कर लेकर आने वाले हैं, तो ये ही जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारे लिए। और प्रभास अन्ना हमेशा ऐसा ही करते हैं, इतनी नेक्स्ट लेवल तक जो कि यहाँ पर क्रेज को लेकर जाते हैं। प्रभास सना की वजह से जो कल्कि का क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अपडेट है। तो भाई आपको क्या लगता है कि प्रभास सना बाहुबली की तरह ही जो कल्कि के अंदर कैसी धूम मचा सकते हैं, ये जो कि मुझे आप कमेंट सेक्शन बता दीजिए। और कहीं ना कहीं सलार मूवी के साथ जो हुआ था उसका बदला लेने कल्कि के साथ आने वाले हैं। और भाई साहब, नाग अश्विन का जो माइंड सेट है, जिस लेवल की मूवी लेकर आए हैं उन उस हिसाब से यही लगता है कि भाई मूवी जो कि यहाँ पर इंटायर वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ आएगी। इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज किया जाने वाला है, तो अब यहाँ पर आप ये भी अंदाज़ा लगा लेंगे किस लेवल की जो है यहाँ पर हमको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है देखने को मिलने वाले डे 1 की। उसी के साथ यहाँ पर जो भाई सब कैरेक्टर हैं, प्रभास अन्ना, विजय देवरकोंडा, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा पट्टानी और SS राजामौली भी जो कि इस मूवी का हिस्सा हैं, तो भाई साहब ये जो कि यहाँ पर कुछ ही जो कि कैरेक्टर के नाम जो कि हमारे सामने आए हैं, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा नाम जो कि यहाँ पर भाई साहब मूवी के साथ जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कैमियोज होंगे, बहुत कुछ चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी भाई साहब। इंटायर बॉलीवुड और टॉलीवुड यानी कि साउथ और नॉर्थ दोनों के जो एक्टर एक्ट्रेसेज हैं उनका कॉम्बिनेशन होता हुआ देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये जो कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भाई साहब, ये जो सारे एक्टर हैं वो यहाँ पर लास्ट के अंदर फिल्म के क्लाइमैक्स के अंदर हमको एक साथ देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो मतलब कि ये मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स के अंदर आने वाली है, और उसी के साथ जो कि हमको इस मूवी के अंदर प्रभास अन्ना के काफ़ी ज़्यादा लुक्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं, ये जो कि कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आपको क्या लगता है, जैसे बाहुबली ने तबाही मचाई थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाई थी, वैसे ही प्रभास अन्ना इस बार कितनी बड़ी कलेक्शन के साथ आते हुए देखने को मिलेंगे, ये भी जो कि आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। छोटी सी वीडियो थी यहाँ पर प्रभास अन्ना के बारे में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप यहाँ पर प्रभास अन्ना की आने वाली मूवी कल्कि के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और इस वीडियो जो कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में प्रभास अन्ना जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कि वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।